हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव। आज मैं वो फैक्ट्स बताना चाहती हूँ यूरिक एसिड के बारे में जो कि लोगों को नहीं पता है। यूरिक एसिड की जब भी बात होती है कि यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सारे लोग यही कहते हैं कि आप जो है प्रोटीन फूड्स को मना कर देते हैं। डॉक्टर भी सही कहते हैं, लेकिन ये है कि उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं कि हमें यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मैं हमेशा गूगल स्कॉलर पे जो हमारे रिसर्च पेपर हैं उनको स्टडी करती रहती हूँ, आप भी उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो रिसर्च स्टडीज में ये आया है कि जो प्यूरिन फूड्स हैं वो हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाते हैं, लेकिन आप ये रिसर्च हुई है कि जिन लोगों को हाई प्रोटीन दिया गया तो उनका जो यूरिक एसिड लेवल है वो कुछ पॉइंट्स ही बढ़ा। लेकिन सबसे मेन रीज़न जो ये सामने आया कि जो फ्रक्टोज रिच फूड्स हैं वो भी हमारे यूरिक एसिड लेवल को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा जो प्यूरिन्स हैं, जो भी हम प्रोटीन्स खाते हैं या प्यूरिन फूड्स खाते हैं वो कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में और उसके बाद में वो यूरिक एसिड बनाते हैं। और यूरिक एसिड जो है वो किडनी उसको फिल्टर करके हमारे जो है यूरिन के रूप में उसको निकाल देता है। तो मेन पहले दो चीज़ आपको समझनी है कि एक तो हमारा किडनी का फिल्ट्रेशन सही रहेगा, किडनी हमारी जो है सबसे सही होना चाहिए, और लिवर का भी वही काम होता है। तो लिवर और किडनी भी दोनों रिस्पॉन्सिबल है हमारे यूरिक एसिड के लिए। और दूसरा जो मेन है कि जो फ्रक्टोज रिच फूड है, जैसे जो भी हम एक कॉर्न सिरप से सबसे ज़्यादा जिसमें फ्रक्टोज है वो है कॉर्न सिरप, जो कि कॉर्न सिरप में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज है, वो बहुत सारे बिस्किट्स में, बेकरी आइटम्स में पड़ता है जिसको हमें पता नहीं है। जिसके बाद जैसे हनी है, हनी में बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज है, जितनी चेरीज हैं उनमें फ्रक्टोज है, जो फ्रूट जूसेस हैं उनमें फ्रक्टोज है। इसको हम लोग नहीं, हम लोग प्रोटीन को तो कम कर देते हैं कि हमें प्रोटीन नहीं खाना है, वो भी प्यूरिन्स मेनली नॉनवेज आइटम में ज़्यादा होता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं अगर आप उनमें भी अगर यूरिक एसिड ज़्यादा निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका ये कि जितने फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो, एप्पल, बनाना, सभी में फ्रक्टोज है। तो अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा निकला है तो आपको ये चीज़ें भी मॉडरेट में लेनी है। प्रोटीन्स तो आपको लेना ही है मॉडरेट अमाउंट में, उसमें आप दूध दही लीजिए, पतली दालें लीजिए, मीन्स मेनली बीन्स और ये सब चने वगैरह अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको फ्रक्टोज पर भी ध्यान देना है, क्योंकि जो भी एप्पल जूसेस, फ्रूट जूसेस, ड्राइड एप्रिकॉट, ये हमारा डेट, छुआरा, जो भी इस तरह के स्वीट्स हैं ये सारे भी, इन सब में भी फ्रक्टोज है। हनी में फ्रक्टोज है, जो फ्रूट्स हैं उनमें फ्रक्टोज है, जो हमारा कोल्ड ड्रिंक है इसमें फ्रक्टोज है। तो ये सारा, जिसका भी यूरिक एसिड लेवल हाई है उसको अपने फ्रक्टोज के फूड को भी देखना है और उसको जो है थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में लेना है जब तक कि आपकी वैल्यू ठीक नहीं हो पाती। तो मेनली यूरिक एसिड के लिए आपको प्रोटीन पे भी ध्यान देना है, लेकिन प्रोटीन में मेनली नॉनवेज प्रोटीन ज़्यादा नुकसान करते हैं जो प्यूरिन्स फूड हैं। बाकी दूध, दही, ये पतली दालें ये आप ले सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान आपको फ्रक्टोज में भी ध्यान देना है कि आप जो फ्रक्टोज रिच फूड्स हैं या फ्रक्टोज रिच फ्रूट्स हैं उनको आप जितने फ्रोजन पैक्स के आइटम हैं, जो आपके जैम है, हनी है, ये सारे जो फ्रक्टोज लिस्ट है इनको भी ध्यान दे करके आपको अपने मॉडरेट अमाउंट लेना है, जिससे कि आपका यूरिक एसिड लेवल ठीक हो जाए। दूसरा, आप हम पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, जिससे कि आपकी किडनी पूरा जो है अच्छे से आपका जितने भी ये टॉक्सिन्स हैं उसको फिल्ट्रेट कर सके। तीसरा, एक हमारी रेमेडी है एप्पल साइडर विनेगर, जो हम हमेशा बोलते हैं एप्पल साइडर विनेगर आपके लिवर को डिटॉक्स करता है, तो आप एप्पल साइडर विनेगर जरूर लीजिए। आप उसको जो एक स्पून आप एक गिलास गर्म पानी में या नॉर्मल वाटर में ले सकते हैं, तो आप रेगुलर उसको लीजिए, जिससे कि आपका यूरिक एसिड लेवल आपका ठीक हो जाए। इस तरह के मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, फेसबुक पेज लिंक है, मुझे उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।